वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में सभी का आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज एक मैं लेटेस्ट वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों किसी को जान से मारने की धमकी देने पर कौन कौन सी धारा लगती है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके समझ में आ जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी देता है तो उसकी कौन कौन सी धारा के तहत मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों लेकिन दोस्तों इस वीडियो को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बात करते हैं धारा 504 आईपीसी क्या कहती है। दोस्तों आईपीसी 504 धारा ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अपमान करना या किसी भी व्यक्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लाचन लगाना या उसे क्राइम करने के लिए उकसाना, ये धारा 504 आईपीसी में आती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति जानबूझकर उसे ये पता है कि मैं इस व्यक्ति का अपमान करूंगा और इसे उकसाने पर ये कोई क्राइम करेगा तो उस व्यक्ति पर धारा 504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो जानते हुए भी उस व्यक्ति का अपमान करता है या उसकी छेड़छाड़ करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उसे ये पता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ इसका अपमान करूंगा, इसकी कुछ करूंगा तो ये क्राइम करने के लिए उकसेगा तो ऐसे व्यक्ति पर 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होगा और इसे 2 साल की सजा का इस धारा में प्रावधान है। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों आईपीसी की धारा 506 क्या कहती है। दोस्तों आईपीसी की धारा जो 506 ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को जान से मारने की धमकी देना या उसे उसकी प्रॉपर्टी को आग लगाने की धमकी देना या रेप की धमकी देना या उसकी इंसल्ट करना है, ये 506 आईपीसी के तहत आती है। दोस्तों इसके साथ आसान भाषा में समझिए कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की इंसल्ट करता है या उसे आबरू या उस पर लाचन लगाता है या उस व्यक्ति को ये कहते हुए कहता है कि मैं तुझे कल जान से मार दूंगा या रेप करने की धमकी देता है या उसे प्रॉपर्टी पे आग लगाने की धमकी देता है, ऐसे व्यक्ति जान पूछ के उसकी इंसल्ट करता है उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 506 में मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का जो क्राइम करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ 504 और 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि उन्होंने अपमान के साथ साथ उनकी मारने की भी धमकी दी। इसलिए दोस्तों जो व्यक्ति ऐसा करेगा उस व्यक्ति को कम से कम 7 साल की सजा या उम्र कैद या जुर्माना दोनों भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर जान से मारने की धमकी देता है इसके खिलाफ या किसी की इंसल्ट करता है उसके खिलाफ 504 506 आईपीसी में मुकदमा दर्ज होता है और उस व्यक्ति के खिलाफ 2 साल की सजा 504 आईपीसी में और 506 में 7 साल की या उम्र कैद की सजा हो सकती है। दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो कि इस धारा में क्या क्या पनिशमेंट है, क्या क्या प्रोविजन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।